टूर है। ये हैं बस के कुछ अंदर के ग्लिम्प्स, तो आप देख सकते हैं जो बस बिल्कुल न्यू है, अभी बन गया, ये पहला ही टूर है बस का। और ये स्पीकर्स वगैरह बिल्कुल न्यू है। तो जो बस ये है, ये बस पूरी फुल एसी है, साथ में इसमें विंडोज भी ओपन हो जाती हैं और पंखे वगैरह और चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह सब है। देखिए हर इसके लिए अलग पोर्ट है। यहाँ बस हमारी रवाना होने वाली है यहाँ से। जय शिव शंकर हर हर महादेव। अभी हम हैं पहलगाम कश्मीर में और यहाँ से हमारी अमरनाथ जी की यात्रा जो है स्टार्ट होने वाली है। अभी हमारे साथ रूम में हमारे मानशु अनेजा जी, हमारे मामा जी, ये निंजा भाई, निंजा बाजवा, ये हर महादेव यात्रा शुरू करेंगे और आपको पूरी डिटेल देंगे। हर बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव। अभी हम जा रहे हैं चंदनवाड़ी और ये हमारे साथ हमारे पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए हमारी गाड़ी रवाना हो चुकी है। हमारे साथ बाकी आठ बंदे, हमारे आठ मित्रगण चलने को तैयार हैं। तो चलिए हम मिलते हैं हम चंदनवाड़ी पे। उसके बाद हम करेंगे यात्रा स्टार्ट और आपको थोड़े से ग्लिम्प्स दिखाएंगे वहाँ की यात्रा के अंदर क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो जाए यात्रा में। चंदनवाड़ी के रास्ते के अंदर हैं बीच में और लगभग 5 से 6 किलोमीटर हम आ चुके हैं। बस 10 मिनट में जो है चंदनवाड़ी का गेट आने वाला है, उसके बाद जो है हम अपनी यात्रा जो है स्टार्ट करेंगे। हैं चंदनवाड़ी के अंदर और चंदनवाड़ी में कुछ इस तरह का व्यू है पीछे से, और जो मेन गेट है पूरा वहाँ पीछे की साइड है मेन गेट, वहाँ से जो है बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हम अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा वेट करने के बाद जब है हम लाइन में लगेंगे, क्योंकि हमारे बंदे कुछ पीछे आ रहे हैं। जो है हम चंदनवाड़ी गेट की जो लाइन है उसके बीच में खड़े हुए हैं और लाइन जो है बहुत लंबी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। Thank you.
जय शिव शंकर हरहर महादेव। अभी हम हैं पहलगांव चंदनवाड़ी में और यहाँ से हमारी जो यात्रा है पैदल वाली वो स्टार्ट हो चुकी है और हम सारे अभी पैदल जा रहे हैं। हमारे मांशु भाई जी, राजू भाई जी, निंजा भाई जी, जय शिव शंकर भाई। तुमको जो ऊपर वाली चढ़ाई देख रही हो ना, ऊपर है ना, जितना हम दोनों का मिला के है उसका एक गुना। बर्फानी यात्रा का पहला दिन चंदनवाड़ी टू पीसी टॉप, हर हर महादेव। सबको हमारे साथ हमारे मित्रगण, हमारे मामा जी के बेटे, हमारा छोटा भाई आयुष, मामा जी के बेटे हिमांशु जी हमारे साथ पहले दिन की पहली यात्रा चंदनवाड़ी टू पीसी टॉप की ओर रवाना होते हुए। हाय गाइस, बाबा जी की कृपा होती हुई तो आज हम शेषनाग पर। मैं इनसे पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। हमारे जो करण भैया हैं, हमारे 420 आदमी गफलत, इनकी जो है शादी पक्की हो गई है। नवंबर में इनकी शादी है और आपको सबको आना है। तो ये हमने चेक पोस्ट जो है पार कर ली है और जो पहला नजारा है यहाँ का, चलो चलो ऐसा सा है। चलो जी, चलो चलो पीछे, कितना प्यारा नजारा है और हमारे भैया आ रहे हैं पीछे। Thank you.
मैं बोले कि ये भाई हमारे साथ थे, इन्होंने कॉफी बहुत बढ़िया बना रखी थी और सेवा बहुत ही बढ़िया कर रखी है इन्होंने यहाँ पे। हम सहारनपुर तो हम पिस्सू टॉप से जो है निकल गए हैं और हम अब आगे जो भी बनी साइड चल रहे हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा है और पीछे जो आप देख सकते हैं, पीछे जो पिस्सू टॉप है वो हम क्रॉस कर चुके हैं। तो जी ये हमारा जो आप पीछे देख रहे हैं सारा ग्रुप है और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ से। और जो पीछे आप देख रहे हैं, पीछे पिस्सू टॉप है, हम उसे क्रॉस करके आगे आ चुके हैं और अब आगे जा रहे हैं। उस दिन मुखिया में झुड़काया मुझे तो इतना नया मोड़ गया देखिए। और खेल जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आओ आप आओ। तो जी अब हम जो है हमारे पिस्सू टॉप से 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं जोजीबल के पास। अब यहाँ जोजीबल जो है 2 किलोमीटर रह गया है बस, हम चल रहे हैं रास्ते में और कुछ व्यू ऐसे हैं बहुत ही मस्त, मज़ा आ रहा है यहाँ पे जाते हुए, लाजवाब नज़ारे हैं। तो दोस्तों अब जो है हम जोजीबल से 2 किलोमीटर पहले हैं और शेषनाग से अप्रोक्सीमेट 7 किलोमीटर पहले हैं और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। रास्ता बहुत ही प्यारा बना हुआ है, मौसम बिल्कुल मस्त हो रहा है इस टाइम पे और बहुत ही मज़ा आ रहा है चलते हुए। मन कर रहा है डांस करने का बट थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। वो आप रास्ता देख रहे हैं वहाँ से हम आए हैं एंड आप यूज देखिए ऐसे और यहाँ जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं वो सामने है जोजीबल, वो सामने देख रहे हैं आप वो नज़र आ रहा होगा, तो सामने जोजीबल है। हमारा एक जो बंदा है राजू भाई वो पीछे रह गए, मैं उनकी वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ के कुछ नज़ारे हैं बहुत अच्छे अच्छे, देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से, बहुत ही प्यारा। जोजीबल पहुँच चुके हैं और बहुत पास में है जोजीबल, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए वो सामने आप देख रहे हो ये जोजीबल है, यहाँ पे जो है भंडारा लगा हुआ है, भंडारा थोड़ा सा हम ग्रहण करेंगे उसके बाद फिर हम लिख के आगे के लिए शेषनाग के लिए। ये है जोजीबल भंडारा, जोजीबल ये प्लेस है यहाँ पे। Thank you.
जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे जो है जोजीबल का बेस कैंप है, जोजीबल जहाँ भंडारे वगैरह लगे हुए हैं, और हम जो है अंदर पूरी उसको क्रॉस करके आ चुके हैं आगे। अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर होगा और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर शेषनाग है। और कुछ थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इस टाइम नागाकोटी पहुंच गए हैं और नागाकोटी से जो है हम इससे वह जाने वाले हैं आगे, और यहाँ से शेषनाग 3 किलोमीटर रह गया बस। चलिए मिलते हैं आगे। शुक्रिया। बता दे को जैन सर। जैन सर क्या बाबू जी कर रहे हैं वो साइड हो गया मंजू है जान दो यार जान दो ना। तो दोस्तों जो आप सामने व्यू देख रहे हैं दरअसल ये व्यू है शेषनाग झील का, और बहुत ही मतलब प्लेजेंट व्यू है यहाँ से। पहुंच गए फिर तो गाइस फाइनली शेषनाग पहुंच चुके हैं। पीछे आप देख रहे हैं शेषनाग है, और हम लगभग अप्रोक्सीमेट 6:30 बजे का टाइम था और हम बिल्कुल अभी अभी पहुंचे हैं यहाँ। तो गाइस वो सामने है शेषनाग, एंड फाइनली वी रीच शेषनाग बेस कैंप। वहाँ पे हमारे जो साथी संबंधी हैं वो पहुँच चुके हैं, उन्होंने जो है टेंट ले लिया है, और बस हम भी जो है पहुँचने वाले हैं बस। जय हिंद सर। जैन सर। जैन जी जैन। जैन सर क्या बोलेगी। जैन सर। अरे मैं बड़े आराम आराम से हाँ सो गया था मैं 1 घंटा वहाँ जो जीवन में ये बोला बोल शंकर भगवान की जय। आज हमारा 4 घंटे से यहाँ पे आप। अरे मैं आ रहा राम राम से जो जीवन सो गया था यार। अच्छा कोई भाई नींद आ रही थी यार बहुत ज्यादा। नहीं ठीक है ठीक है। मन भी बैठी का सुबह के बज रहे हैं 8
और हम जो हैं अभी कैंप के अंदर हैं और मैं अभी टूथपेस्ट वगैरह अपना फ्रेश होके आया हूँ और अब जो है रेडी होने की तैयारी है यहाँ से चलने की। कुछ ऐसा ही नज़ारा है इनका। अरे मामा जी आ रहे हैं, अभी सो रहे हैं। हेलो गाइस, तो अभी जो है हम हैं शेषनाग में और हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं पंचतरणी के लिए। और जैसे कि पीछे देख रहे होंगे, पीछे आपको अगर नज़र आ रहा हो तो पीछे जो है लाइन लगी हुई है और लाइन वो जो है वो ऊपर पंचतरणी जाने के लिए ही है। और यहाँ से कुछ ऐसा भी हुआ है, बैक साइड में आप व्यू देख सकते हैं, इस टाइम जो बादल हैं वो भी नीचे आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपको बैक साइड का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। सामने जो आप ये लाइन देख रहे हैं, आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ये सारे पंचतरणी जाने वाले लोग हैं और लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ से आगे जो है चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट से जो है अपना बैग्स वगैरह क्लियर करवाने के बाद जो है लोग अपना आगे निकल जाते हैं। तो पहले हमें बैग चेक कराने होंगे, उसके बाद जो है आगे निकल पाएंगे। और इधर से जो है सामने जो माउंटेन्स का व्यू है बहुत ही ज़्यादा माइंड प्लेजिंग व्यू है, अगर आप देख पा रहे हो सामने। तो इस जगह हमने जाना है, मतलब जो रास्ता है आगे, इससे आगे जो है एम जी टॉप पड़ता है एक रास्ता। एम जी टॉप जो है एक पॉइंट है ऊपर, वो थोड़ा ऊंचाई पे है, तो जो ऊंचाई पे है वो वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ का भी मैं आपको जो है थोड़े से ग्लिम्प्स दिखाऊंगा आगे। शंकर भगवान की जय बोलेगी। जय सर, चलो लेट हो रहा फिर दूसरों को भी, चलो शाबाश। जय बोले सर, जय बोले, जय बोलेगी, जय बोलेगी। ठीक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जो रास्ता है हमारा थोड़ा सा कठिन है, देखिए एक साइड खाई और एक साइड चढ़ाई, और इस तरह का कुछ रास्ता है अमरनाथ जी का। और इसी रास्ते सामने किस तरह का व्यू है, ऐसा व्यू है कि बस मंदिर देख के ही मनोरंजित हो जाता है। केदारनाथ जी, ये हर हर महादेव, जय श्री शंकर, जय महाकाल। जय भोले, जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ। चलो फोन आ रहा है, चलो शेषनाग जी, छोटा छोटा पैर रखना, छोटा छोटा पैर, बर्फ को घिस घिस के रखना पड़ेगा पैर। भैया की पैदल यात्रा कर रहे हैं और पैर में छाले हो गए हैं, बट पर मेहनत पूरी कर रहे हैं, बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे हैं। और हमारे साथ ये हमारे शेषनाग जी, ये भी लगातार 5-6 यात्रा तो कर ही चुके हैं और हमारे साथ इनकी दूसरी यात्रा है। और ये हमारे राजू भाई, जिनकी किस्मत से पहली यात्रा है
और पूरा मजा आ रहा है इन्हें। और ये हमारे कुछ घोड़े वाले कश्मीरी भाई लोग, और पीछे का व्यू आप देखिए कितना बढ़िया है यहाँ से। ये पावर बैंक भी रख लो, बंद ना हो तुम्हारा फोन, इसकी पिन थोड़ी ढिली है, ध्यान रखियो, ठीक है। जय बोले शंकर। तो देखिए आंटी जी जो हैं, देखिए कितनी उम्र हो चुकी है इनकी, फिर भी ये पैदल जा रही है अमरनाथ की यात्रा पर, घोड़ा नहीं लिया इन्होंने, बहुत बड़ी बात है ये। क्या नाम आंटी जी आपका? सुमन। तो सुमन आंटी जी आपको राम राम। खुश रहो। जय बोले शंकर। जय बोलेगी, जय शिव शंकर। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय हिंद सर, जय सर। तो ये सर हमारे यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, चलो। और हमें पैदल वालों को जो है निकाल दिया है, और उस टाइम हम पुल क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से। शेषनाथ जी हमारे साथ हैं, लोहे की पुलिया है, मिस्टर आयुष जी साथ हैं, लोहे की पुलिया है ये। जय बोलिए सर। सर यहाँ बहुत अच्छी तरीके से जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा कोऑपरेट कर रही है जो आर्मी वहाँ। इस टाइम हम लगभग शेषनाथ जी से 1 किलोमीटर आ चुके हैं, और जो रास्ता है वो कुछ खतरनाक सा है, यहाँ से एक चढ़ चढ़ के आ रहे हैं लोग, रास्तों में खड़े ही आई है यहाँ से। ये हमारे राजकुमार भाई हैं, कलम भी चढ़ गए थे, और आज हम फिर मिल गए हैं, फिर मिल गए, मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे तो भाई जो इस टाइम सामने आप देख रहे हैं, ये पीछे जो है ये वॉबल टॉप है, वॉबल टॉप का भंडारा। जय बोलेगी, जय बोले। और ये सामने जो है ये एमजी टॉप है, गणेश टॉप, यहाँ हमको जाना है, और जा रहे हैं हम यहाँ पे। जय हिंद सर। जय हिंद। तो हमें ऊपर जो पीक है वहाँ पहुँचना है, तो चलते हैं जल्दी से। फाइनली ये जो है गणेश टॉप और एमजी टॉप के नाम से भी इसको जानते हैं, कि हम पहुंच गए। बॉडी बहुत ही कड़ी चढ़ाई थी यहाँ से, बट कैसे न कैसे पहुंच गए हैं। तो चलिए अब रुके भी ना, आगे चलते हैं। तो हम एमजी टॉप जो है वो क्रॉस करके कोश पथरी की तरफ जा रहे हैं, और रास्ता जो है बहुत ही पथरीला है, और घोड़े वालों ने हमारा दिमाग ख़राब कर रखा है पूरा। मिलिट्री वाले भी वैसे थोड़े सबर में रहते हैं, नहीं तो हमारे ऊपर ही घोड़ा चढ़ा दें इनका, उससे धीरे धीरे चलता है तो अच्छा है। चलो मिलते हैं आपसे कोश पथरी में, और व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से, बहुत ही प्यारा व्यू है। ऐसे लगता है अच्छा।
ये जो है हमारा कोशपत्री का जो भंडारा है दिल्ली वाला सबसे बड़ा, वो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे गणेश स्टॉप के पीछे था। ये कोशपत्री है, तो ये जो है कोशपत्री भंडारा है सबसे बड़े वाला, हम पहुंच गए हैं। जय महाकाल। हम यहाँ इस जगह कोशपत्री के भंडारे के अंदर, और जो है कोशपत्री का जो भंडारा है यहाँ से ये भंडारा स्टार्टिंग होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या व्यंजन आपको खाने को मिलेंगे। जय बोलेगी, जय बोलेगी, थैंक यू, थैंक यू। ये दिया है भाई सामने में, तभी देते हैं हम देते ही नहीं किसी यार। जय बोलेगी सर, पहले वो खा के आओ। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। यहाँ पे फूड का काउंटर लगा हुआ है, बहुत सारे फूड जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, आप कोई सा पसंद करके खा सकते हैं। जय बोलेगी सर, जय। और यहाँ पर आप लोगों के पसंदीदा मोमोज, जय बोलेगी। यहाँ पे सूप है, टमाटो सूप, और यहाँ सैलेड, और यहाँ पे जो है आपका मेन कोर्स है ये कुलचे हैं, कुलचे और समथिंग लाइक छोले, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे साग, बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पे वेज बिरयानी मिल रही है, पुलाव। जय बोलेगी, जय बोलेगी, बिल्कुल बिल्कुल, जय बोलेगी सर। और अब चलते हैं दूसरी साइड और वहाँ देखते हैं क्या क्या है। तो जी यहाँ पे जो है आपका टॉफी, ड्राई फ्रूट, चना, ये काउंटर लगा हुआ है। और यहाँ पे है चाय का काउंटर, चाय है यहाँ पर। जय बोलेगी सर, जय बोलेगी, जय बोलेगी। और यहाँ भी जो है मेन कोर्स है, यहाँ पराठे मिल रहे हैं, पराठे रहते हैं। यहाँ शाम के टाइम जो है दूध लगेगा, और यहाँ पर कॉफ़ी है, चाय है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी है। तो यहाँ देखिए कॉफ़ी है, बहुत तरह की कॉफ़ी यहाँ पर। और इधर आ जाए तो इधर क्या है सर, कल क्या है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी काम कर रहा है। और बच्चों की मनपसंद पिज्ज़ा भी है, और क्या बोलेंगे सर, सैंडविच भी है, पेटीज है, केक है, मतलब बहुत सारी जो है आइटम्स यहाँ आपको, बड़ा पाव भी है यहाँ पे, बहुत सारे आइटम्स आपको खाने को यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो है मैंगो शेक, क्या बोलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, आप जितनी मर्जी खा सकते हो। एक मेरे को दे देना अंकल। तो अब मैंने मंगाया थोड़ा सा मैंगो शेक, और ठीक है आपसे मिलते हैं आगे पाँच चार मिनट के रास्ते पर। हर महादेव, हर महादेव, शिव शंभू। यात्रा का दूसरा दिन,
अभी हम पोष पत्री से रवाना हो चुके हैं पंचतरणी के लिए। कुछ ही क्षणों में हम पंचतरणी पहुंच जाएंगे। कुछ ही सेकंड में अरे तोड़ी की तरह हम चाल चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। और यहाँ पे है ग्लेशियर जिसमें तैर रहे हैं हमारे फिसल, इसलिए यहाँ की वीडियो ना बना के रास्ते पर फोकस करते हुए आगे चलते हैं। और कुछ इस तरह का जो है नज़ारा है जहाँ पर नज़ारे तो हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं। जो आप वो सामने देख रहे हैं वो है पंचतरणी, और पंचतरणी जो है वो हमारा स्टॉप है, हमने वहीं रुकना है जाके। अब तक 25 किलोमीटर जो है हम कवर कर चुके हैं चंदनवाड़ी से, और पंचतरणी के बाद 6 किलोमीटर का रास्ता और रह जाएगा गो अमरनाथ जी की गुफा का। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। ये है पंचतरणी से पहले का थोड़ा सा रास्ता, और ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा मतलब आइस प्लीसेंट है, कोई शोर नहीं, शराबा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत प्लेस है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बहुत ही अच्छा। ये पंचतरणी का चेक पोस्ट है, यहाँ पे जो है चेकिंग होती है। हम चेक पोस्ट से आ गए हैं, यहाँ चेकिंग होगी। जय बोली सर, लाइव चल रहा है? नहीं नहीं, वैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए। नाम क्या आपका? हिमांशु अनेजा। जय, थैंक यू सर। चेकिंग हमारी हो चुकी है और अब हम टेंट के लिए रवाना होते हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे अपने तंबू में। दोस्तों अब हम जो है पंचतरणी से रवाना हो रहे हैं आगे अमरनाथ जी गुफा के लिए। तो अब जो है हम यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में जो है भंडारे बहुत लगे हुए हैं, यहाँ से हम यहाँ से अभी जो है चाय वगैरह लेंगे थोड़ी बहुत ही, और उसके बाद चलते हैं आगे। तो चेक पोस्ट पास कर पार करके चलेंगे हम आगे। तो मिलते हैं आपसे आगे।
पापा को घोड़े पर रवाना कर दिया है, पर हम चल रहे हैं आगे पैदल पैदल गुफा की तरफ। पापा उधर घोड़े पे जा रहे हैं क्योंकि घोड़े का रूट है वो दूसरा, पर हम इधर जा रहे हैं, ये रूट दूसरा है। काले बूट का पीना पुजारा मारा घोड़ा शंकर भगवान की जय, बाबा बर्फानी की जय, महाराज नंदी की जय, माता पार्वती की जय, शंकर आयुष की जय। हम जो है अपना चंदन पैंतरणी से जो है हम अपना रवाना हो चुके हैं, और पैदल पैदल की यात्रा जो हमारी होली के पर पवित्र गुफा तक जो है चल रही है, और हम यहाँ से धीरे धीरे जो है अपने मंजिल तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी प्रधानमंत्री जी गए हैं हमारे पीछे। यह है संगम टॉप, और यहाँ से जो है हमारी पवित्र गुफा 3 किलोमीटर रही है, यहाँ से जो आपको घूम दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें पवित्र गुफा दिखने लग जाएगी। इधर जो है हमने पापा जा रहे हैं घोड़े पे। जय बोलेगी, जय बोलेगी। सामने जो आप देख रहे हैं वो है पवित्र गुफा, और वहीं जाना है हमें। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो रह गया है, वो भी जल्दी से हम कवर कर लेंगे। मिलते हैं आगे। ले बाबा का पहरा लेके बोला भाई अरे तो नाम जय बोले की। तो हम जो पवित्र गुफा है वहाँ पहुँच गए हैं, और हमारे साथी जो है वो बैठे हैं सामने। रास्ता थोड़ा ऐसा है, जाना हम लोग उधर है। जब हम चलते हैं ना आयो आयो